हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू टुसला फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द लॉन्ग आंसर्स। तो यार तुमको इंग्लिश के पेपर में अपने लॉन्ग आंसर को कैसे राइट करना है। कई बार यार क्या होता है कि हमारे माइंड में लॉन्ग आंसर राइट करने के लिए कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं, सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है वो नहीं होती है, कंटेंट माइंड में नहीं आता है। तो यार ऐसे सिचुएशन में अपने जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनके लिए ऐसा क्या करें कि हमारे जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो ईजिली हम क्या राइट कर पाएँ। तो यार आज हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स इन द इंग्लिश लिटरेचर। तो यार इसको राइट करने के मैं तुमको सिर्फ 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ और 3 पॉइंट्स के अलावा मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा। और ऐसा तुम करते हो तो यार डेफिनेटली तुम क्या है आंसर्स को राइट कर पाओगे। तो यार देखो, पहला पॉइंट तुमको जो फोकस करना है वो ये करना है कि यार तुमको सबसे पहले जब आंसर लिखना है तो यार एटलीस्ट तुम ये चेक कर लो क्या उस आंसर के लिए तुम्हारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं कि नहीं। ये जरूर चेक करो सबसे पहले, जो तुम आंसर लिखना जा रहे हो क्या उस आंसर को लिखने के लिए तुम्हारे पास कीवर्ड्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर कीवर्ड्स अवेलेबल हैं तो डैट मीन्स तुम उस आंसर को स्टार्ट करने की सोच सकते हो। तो यार स्टार्ट करने की सोच सकते हो, अभी स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट नहीं कर सोच लो भाई मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। जब तुमने यार ये डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ तो उससे अगर तुम्हारा आता है पॉइंट नंबर टू में तुमको ये ध्यान रखना है कि जो तुम आंसर स्टार्ट करने की सोच रहे हो क्या उसमें तुम्हारे पास कुछ हेडिंग्स हैं या नहीं। क्या तुम कुछ हेडिंग्स को बना सकते हो, जो भी तुम आंसर दे रहे हो क्या उसमें तुम कुछ हेडिंग्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो यार ये चीज़ तुमको माइंड में स्टोर करना है। तो अगर तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो डैट मीन्स तुम सेकंड पैरामीटर पर भी पास हो गए, तुम उस आंसर को लिख लोगे। फिर यार तीसरी चीज़ तुमको देखनी है क्या उसमें कुछ सब हेडिंग्स हैं कि नहीं। जो हेडिंग्स हैं तुम्हारी जो तुम बनाने की सोच रहे हो क्या उसमें सब हेडिंग्स हैं या नहीं। अब अगर ये 3 चीज़ें तुमको मिल जाती हैं तो यार तुम डेफिनेटली अपने आंसर को जितना बड़ा लिखना चाहो, जितना लॉन्ग लिखना चाहो उतना तुम लॉन्ग क्या आसानी से लिख पाओगे। देखो जो कीवर्ड्स होंगे वो एग्जामिनर को इंडिकेट करेगा कि भैया इसने पढ़ा हुआ है, अच्छे से ये पढ़ के आया है। उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि भाई इसने कीवर्ड्स लिखा है, डैट मीन्स इसकी तैयारी अच्छे लेवल से है। और अगर कीवर्ड्स इसने क्या सही से नहीं लिखा होगा तो डैट मीन्स यार उसकी तैयारी क्या सही से नहीं है। तो यार कीवर्ड्स होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कीवर्ड्स पर तुमको क्या फोकस करना है। फिर यार इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आता है हेडिंग्स। तो यार हेडिंग्स क्यों लिखना ज़रूरी है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जब तुम हेडिंग्स लिखते हो तो तुम्हारा जो आंसर है वो अट्रैक्टिव होता है पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ तुमको लिखते समय उसके लिए कुछ कंटेंट मिल जाता है, मतलब तुम्हारे पास जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं वो तुम्हारे पास आ जाते हैं। और यार अगर तुम हेडिंग्स नहीं लिखोगे, अगर तुम हेडिंग्स को सोचोगे यार अवॉइड कर दूं, तो यार तुम्हारे पास कंटेंट कहाँ से आएगा, तुम्हारे पास सेंटेंसेस कहाँ से आएंगे। तो इसलिए तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि तुम यार अपनी जो हेडिंग्स हैं उसको लिखते समय एक बार ज़रूर सोच लो कि क्या मेरे पास सब हेडिंग है कि नहीं। अब देखो सब हेडिंग अगर होंगे तो क्या होगा कि वो जो टॉपिक होगा उसको तुम क्या डिटेल में लिख पाओगे। और यार अगर तुम्हारे पास सब हेडिंग्स नहीं होंगे तो उसको तुम क्या डिटेल में नहीं लिख पाओगे। तो आंसर को लिखते समय ये पॉइंट्स जरूर और ज़रूर चेक करो। और अगर तुमको ये पॉइंट चेक करना नहीं आता है तो मैं तुमको यही कहूँगा कि तो एटलीस्ट जब तुम अभी तैयारी कर रहे हो, तुम अपने आंसर की जब तैयारी करो तो कम से कम यार एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार तुम ये तैयारी कर लो कि यार क्या मैं इनको अपने आंसर में इंडिकेट कर पाऊँगा। एक बार ये तैयारी कर लो क्या मैं कीवर्ड दे पाऊँगा, क्या मैं हेडिंग्स दे पाऊंगा, क्या मैं सब हेडिंग्स दे पाऊंगा। और यार ये चीज़ें अगर तुमने इंडिकेट कर ली, उनके बारे में पहले से तुम तैयार होके गए हो तो यार आंसर तुम काफ़ी अट्रैक्टिव दे पाओगे और जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो डेफिनेटली तुम क्या है 100% के अबाउट पहुंचोगे। तो यार जो तुम्हारा पेपर है तुमको मालूम है कि यार 80 out of 80 का है, तो यार अगर तुमको 80 out of 80 चाहिए तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, बट कंडीशंस वही है कि आंसर शुड बी क्लियर एंड इम्प्रेसिव।
तो यार आंसर अगर इम्प्रेसिव होगा, क्लियर होगा, तो यार 80 out of 80 तुम अचीव कर सकते हो, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम तुम्हें तुम आओगे। और यार कोई अदर प्रॉब्लम है तुम्हारी जो तुम पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देखने के लिए इंग्लिश की प्लेलिस्ट में तुम जरूर विजिट करो, जिससे कि तुम एटलीस्ट ये जान पाओ कि यार तुमको एग्जाम हॉल में अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।